आप सभी प्रेमियों का जो दूर दूर से आए हुए हैं, बहुत स्वागत है। हमारे गुरु भगवान के, दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। उनको साष्टांग प्रणाम है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्ण ने बोली, महाभारत के युद्ध के समय में दोनों सेनाएं दो तरफ खड़ी हैं। अर्जुन कहते हैं कि रथ को बीच में ले लीजिए भगवान, मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूं, और जो हमारे प्रियजन यहाँ युद्ध करने के लिए आए हुए हैं इनको मैं पास से देखना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण रथ को बीच में ले आते हैं, दोनों तरफ सेनाएं हैं। कल्पना कीजिए, आपने चित्र बहुत बार देखा होगा, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, महायोद्धा लोग खड़े हैं, शास्त्रों के, शस्त्रों के आचार्य खड़े हैं, बड़े बड़े धुरंधर, महावीर सब लोग वहाँ पर उपस्थित हैं, युद्ध करने के लिए तैयार हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, मरने मारने के लिए तैयार हैं। ऐसी जगह पर खड़े होकर अर्जुन को मोह हो जाता है, ये मेरे वाले ये सब मर जाएंगे, मैं ऐसा राज्य नहीं लेना चाहता। भगवान उसको याद दिलाते हैं कि देखो, हम लोग संधि का प्रस्ताव लेकर गए, बहुत कोशिश की, जैसे होता ना हाथ पैर जोड़े किसी के, बहुत प्रयास किया, बहुत मनाने का प्रयास किया, लेकिन ये मान नहीं रहे ये लोग, क्या कर सकते हैं। हमने तो यहां तक कह दिया कि हमें 5 गांव दे दो, ये 5 पांडव हैं भाई, कैसे इनको थोड़ा सा तो कुछ दे दो। एक होता है कोई भी राजा होता है तो छोटे छोटे राजाओं को इंचार्ज बना देता है, वो लोग भी खुश हो जाते हैं, तो मैं इनको खुश कर दो। नहीं माना, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो युद्ध छिड़ गया, ऐलान हो गया। अब अर्जुन बीच में खड़े होकर के मोहग्रस्त हो रहा है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, और शोक करता हुआ जमीन पर बैठ गया, गांडी धनुष अपना रख दिया। तो भगवान उसको गीता का उपदेश करते हैं। गीता में सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, यानी ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग सब बताया भगवान ने। तो चलिए हम उन्होंने जो बोला है वो सुनते हैं। श्रीमद् भगवद गीता दूसरे अध्याय से आरंभ करते हैं। पहले मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ, उसके बाद व्याख्या पे आएंगे। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ये दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत, तू उनको सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। गीता की खास बात है, भगवान के जीवन में जो था वैसा उन्होंने बोला है। आम आदमी होता कुछ नहीं है, बोलता बहुत है, लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, उनकी एक आदत होती है कि वो जितना होते हैं उतना ही बोलते हैं।
अब यहाँ मैं अपने बारे में थोड़ा सा बोल दूँ, मैं गुरु का बच्चा हूँ, मैं भगवान के चरणों की धूल हूँ। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो उसको जान जिससे संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर अर्थात अपना कर्म कर। युद्ध कर यहाँ पर प्रसंग है और अर्जुन क्षत्रिय है, राजा है। राजाओं का काम होता था कोई उन पर अटैक करे तो मतलब रिटेलिएट करने के लिए उनको युद्ध करना पड़ता था। यहाँ पर अधर्म ऊंचा उठ रहा है, धर्म हार रहा है, तो भगवान ने प्रेरित किया पांडवों को कि तुम इस धर्ममय युद्ध को करो, इसको न करने से तुमको पाप लगेगा, क्योंकि धर्म में युद्ध है और तुम राजा हो, तुम अपना कर्तव्य नहीं करोगे तुमको पाप लगेगा। ये दुष्ट लोग हैं, आतताई हैं, इनको मारना तुम्हारा धर्म बनता है क्योंकि तुम राजा लोग हो। देखिए आम आदमी किसी को मारेगा तो मर्डर के इल्जाम में उसको सजाए मतलब जो भी होगी, उम्र कैद हो जो भी हो होगी, उसका काम नहीं है करने, ये राजा लोग हैं, इनका काम ही यही होता था। आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे, अभी तो इस पर मूवीज भी आने लगी है, कभी पृथ्वीराज मूवी आई है, देखने से बहुत सीखने को मिलता है। पुराने राजा लोग धर्म के लिए कुछ ऐसी गलतियां कर जाया करते थे जिससे दूसरे लोग उसका फायदा उठाते थे, तो ये भी बहुत सीखने की बातें होती हैं। हिस्ट्री किस लिए होती है, हिस्ट्री सब्जेक्ट क्यों है, पढ़ करके एग्ज़ाम देने के लिए नहीं होता हिस्ट्री, पढ़ करके सीखने के लिए होता है हिस्ट्री। भगवान उसको हिस्ट्री और मिस्ट्री सब बता रहे हैं, अर्जुन को हिस्ट्री और मिस्ट्री छुपा हुआ राज, ये दुनिया चलती है तुम सोचते हो गलत काम करूंगा तो पाप लगेगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम कौन हो ये विचार करो, तुम्हारे लिए क्या गलत है और क्या सही है। युद्ध न करना तुम्हारे लिए गलत है, हमारे लिए युद्ध करना गलत है, राजाओं के लिए युद्ध न करना गलत है। ये बड़ा भेद है, हमारी बुद्धि ना कैच नहीं कर पाती, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऐसा फीड है, नहीं नहीं लड़ाई मत करो, नहीं 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 नहीं, हमको नहीं 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 हर समय बोला गया, नहीं 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 ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लाखों बार हमसे कहा गया होगा ऐसा मत करो मत कर। एक माता पिता थे, उनका बेटा था, मिलने वाले जानने वाले आए, बेटा इधर आओ, बुलाया उन्होंने, क्या नाम है तुम्हारा, मत कर। हैं मत कर, ये तो नाम हमने कभी नहीं सुना, मत कर, ये माँ बाप से पूछा है क्या कह रहा है, अरे अरे नहीं नहीं ये तो ऐसे ही कहता रहे पागल है। तो उन्होंने पूछा बेटा तुमने ऐसे क्यों बोला मत कर, बोला सारा टाइम मुझसे ही कहते रहते हैं ये मत कर, ये मत कर, वो मत कर, ये मत, कभी ये तो कहते नहीं ये कर ले, ये खा ले, ऐसे कर ले, वो कर, ये मत खा, वो मत, चॉकलेट मत खा, चिप्स मत खा, कुरकुरे मत खा, ये मत खा, वो मत खा, सारा टाइम ये मत कर, वो मत कर, क्या कर, अब सब्जी दे देते, रोटी दे देते, चावल दे देते, ये खा, अब बता यही खाता रहेगा कोई, बच्चे तो भाई डिफरेंट पसंद करते हैं ना। अब आप कहेंगे आप बच्चों को बिगाड़ना चाहते हैं, कि मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे वस्तु स्थिति बता रहा हूं, सच्चाई क्या है। हम लोग बहुत सारी बातें, बच्चों को कैसे बिजी रखा जाए ये हमको खुद को नहीं आता है, तो हम हर समय उनको ये मत कर वो मत कर कहते रहते हैं, तो कैसे बिजी रहे ये हमको सीखना पड़ेगा। कितनी सारी चीजें हैं दुनिया में, कितने सारे गेम्स हैं, अब बाहर उसको गेम्स के लिए जाने का समय नहीं मिलता या कारण नहीं मिलता, तो घर में वो वीडियो गेम खेलता है, मोबाइल पे गेम खेलता है, कंप्यूटर पे गेम खेलता है। बाहर खेलने जाने से सेहत बनेगी,
मोबाइल पर और कंप्यूटर पर गेम खेलने से सेहत बिगड़ेगी। अब उसको अंतर समझाना होगा ना, सारा टाइम तो यही करता है, सारा टाइम तो यही करता है, ये मत कर, ये मत कर, भाई क्या कर। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, अर्जुन तू उस बात को समझ, तू ये जो कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूँगा इस समय, अब तेरी बात नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी। तूने संधि का प्रस्ताव रखा, तुम लोगों ने भरसक प्रयास किया, तुमने 12 साल वनवास काटा, 13वां साल अज्ञातवास का काटा। इन्होंने कह दिया था अगर हमने ढूंढ लिया तो 12 साल फिर से तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा। इतना इन्होंने तुम लोगों पर अत्याचार किया है, अपराध किया है, गलत काम किए हैं, आतताई हैं ये लोग, 6 अपराध इन लोगों ने किए हैं, इनको मार देना चाहिए, ये राजा का धर्म बनता है। गलत आदमी को नहीं मारे, चोर को पकड़ेगा नहीं राजा, ये जेल में बंद नहीं करेगा तो रोज चोरी करेगा। मर्डर करने वाले को खुला छोड़ दोगे आप मतलब किसी जज से पूछा जाए, मर्डर करने वाले को छोड़ दोगे आप, खुला छोड़ दोगे, कितने भी मर्डर करे, कुछ भी करे, आप जज हो, आपका काम बनता है उसको सजा देना, और आप सजा नहीं देते तो आप अपराधी हो, और आप सजा देते हो तो आप बिल्कुल सही हो, है बात। ऐसी राजा का बनता है। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को नहीं प्राप्त होगा। जो तो कह रहा है कि युद्ध करने से हमें पाप लगेगा, तो मैं तेरे को उपाय बताता हूँ। पहली बात, तू राजा है, पाप नहीं लगेगा। दूसरी बात, समता योग में स्थित हो जा तो तेरे को पाप नहीं लगेगा। तू हारेगा जीतेगा, ये मरेंगे तुम मरोगे, कौन मरेगा क्या होगा, लड़ाई कौन जीतेगा, कैसे होगा कैसे होगा, बोले ये सब तुम मत सोचो, तुम समता में स्थित हो जाओ। सामने युद्ध है, अब शंख बजने वाले हैं, युद्ध शुरू होने वाला है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, अब अपना काम करो। कोई नया मकान बन रहा है, उन्होंने बिजली का कनेक्शन ले लिया, अब बिल आएगा तो पेमेंट करोगे नहीं करोगे, क्या सोच रहे हैं आप? मत करना, मत कर। अब इनके सामने युद्ध है, कह रहा है नहीं करूंगा युद्ध। भगवान कह रहे हैं अगर तुम नहीं करोगे तो पाप लगेगा। ये कहानी और है, ये आम आदमी की कहानी नहीं है, ये राजा लोगों की कहानी है। अच्छा, कर्म योग के विषय में सुन। चलो ज्ञान तेरे समझ में नहीं आता, तू तो आत्मा है, शरीर युद्ध करेगा, शरीर कर्म करेगा, शरीर को चल पाप लगता है तो शरीर को लगेगा, तेरे को थोड़ी लगेगा, तू तो आत्मा है, तू तो मुक्त स्वरूप है, तेरे को ज्ञान है तो तू मुक्त हो जाएगा, पाप करता है शरीर तो ये भोगेगा, बीमारी बुढ़ापा मौत सब इसको आएगी, तेरे को थोड़ी आएगी, तू तो आत्मा है। ज्ञान नहीं समझ में आता, चल कर्मयोग के बारे में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भली भांति पार कर जाएगा। इस कर्मयोग में निश्चय आत्मिका बुद्धि एक ही होती है, गुरु बता देते हैं, भगवान बता रहे हैं, उसकी व्याख्या गुरु कर देते हैं कि देखो घर परिवार शरीर संसार जो मिला है सब भगवान का है। जो कुछ भी तुमको मिला है, पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, पैसा है, ये है वो है, घर है, मिल्कियत है, जो भी तुमको मिला है ये सब भगवान का है। निश्चयात्मिका बुद्धि बता रहे हैं एक ही होती है, ये सब भगवान का है, ये निश्चय कर्मयोगी को होता है। किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं, जो नासमझ होते हैं, अपनी तरह से पढ़ लिख गए, अपनी तरह से उन्होंने जो भी मतलब जो सुन लिया इधर उधर, ऐम ही लोगों से बातें सुन ली, मन में बिठा ली, उन्होंने क्या पट्टी पढ़ा दी, उल्टा सीधा जो भी बोल दिया, अब वो मन में बैठ गया, दिमाग में बैठ गया। अरे भाई, गुरुजनों से पढ़ते, शास्त्र पढ़ते, जो भगवान ने बोला है उसको पढ़ते सीखते, तो आम दुनिया वालों की बातें ध्यान मत दो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग,
लोग क्या कहेंगे, तुम ये ध्यान देते हो तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे जीवन में, क्योंकि हर आदमी तुमको कोई कहेगा ये, कोई कहेगा ये, कोई कहेगा ये। आपने देखा होगा, सुना होगा, आप सुनते आ रहे हैं कब से, हर आदमी अपनी राय देता है। आप ऐसे किसी से कहना नकली तरीके से, हमारा बेटा ना वो कोई कारोबार एक चुन लेना, कोई भी सरसों का तेल निकालने की फैक्ट्री डालना चाहता है, ऐसे बोल देना, ऐसे ही बोल देना। रिश्तेदारों में 10 लोगों से मिलना किसी शादी में, वहाँ पे आप कहना हमारा बेटा ना सरसों का तेल निकालने की फैक्ट्री डालना चाहता है। अब आप राय सुनना, नकली कुछ भी कह देना, फिर देखना आप राय, 10 लोगों की 10 राय, और वो ऐसी राय होंगी कि बेटा तो कभी सरसों के तेल का काम कर नहीं पाएगा, और करेगा भी तो बर्बाद हो जाएगा। सत्संग सुनने आ जाएगा। अब आगे भगवान कह रहे हैं, वेद की बात कहते हैं। देखो अर्जुन, अगर तुम ज़्यादा पढ़े लिखे होने की बात करते हो ना, तुम मेरे को वेदों की बातें बता रहे हो कि ये लिखा है, वो लिखा है, ये करने से पाप लगेगा, वो करने से पाप लगेगा, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, तो सुनो, वेद 3 गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। देखो वेद तो तरह तरह की बातें कह रहे हैं, जितने शास्त्र उतनी बातें, और एक ही शास्त्र में कई तरह की बातें। अभी वो ये लिखते हैं, उस बात को काट देते हैं, वो खुद ही लिखते हैं, खुद ही उस बात को काट देते हैं। कभी आप कोई शास्त्र उठा के पढ़ना, बहुत सारे शास्त्र आते हैं, गीता पर गोरखपुर की कई सारी पुस्तकें हैं, तो उनमें आप दुकान पर कहेंगे कुछ शास्त्र हमें दे दो, तो वो देंगे आपको कुछ किताबें निकाल निकाल कर, आप पढ़िएगा, कन्फ्यूजन है। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, तुम स्वाधीन अंतःकरण वाले हो, तुम मेरी बात को समझो, विश्लेषण करो, निर्णय निकालो और उस काम को करो। वन मैन शो है यहाँ पर, जो भगवान कह रहे हैं वो हम मानेंगे बस, और शास्त्र क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं बिल्कुल ध्यान देने योग्य नहीं होता। हाँ सुन लीजिए, ऐसा ऐसा विचारक लोग कहते हैं, सुनो सबकी, करो अपनी। विचारक लोग कहते हैं सुनो सबकी, करो अपनी। यहां भगवान कह रहे हैं सुनो सबकी भले, बल्कि और करो मेरी, जो मैं कह रहा हूं वो करो। भगवान इस दुनिया के मालिक हैं, नहीं कोई शक? कुछ लोग सोच रहे हैं मालिक तो हम थे अब तक, है ना, अपने घर के अपने परिवार के मालिक तो हम थे, ये दूसरा मालिक कौन आ गया? और कहीं उन्होंने मांग लिया लाओ मेरा घर मुझको दे दो, तो ये शक कुछ लोगों के मन में रहता है। अगर हमने ये कहा भगवान घर आपका, और अगर उन्होंने हमसे मांग लिया कि ला बेटा घर में मुझे दे दे, वो एक पिक्चर आई थी ना ओ माय गॉड, तो वो कुछ लोगों ने देखी होगी, वो रजिस्ट्री पेपर ले आए, वो ये घर मेरे नाम हो गया है, जो भी कहानी थी, कहीं मांग लिया भगवान ने। तो देखिए भगवान इतने उदार हैं कि अगर आप ये कहेंगे ना भगवान ये घर आपका है, तो वो आपको और अच्छे से चलाने को देंगे, उसको आप और अच्छे से चला पाएंगे और बढ़िया तरह रख पाएंगे।
और बढ़िया सेवा कर पाएंगे। आगे भगवान कह रहे हैं, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में नहीं। इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे अर्जुन, तू कर्म कर, कर्तव्य कर्म कर। जो भी कर्तव्य कर्म तेरे सामने आया है उसको तू कर। फल की इच्छा मत कर, कौन जीतेगा, क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं सोच, तू अपना काम कर। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। भगवान बार बार उसको समझा रहे हैं और आगे आप देखेंगे बार बार उसको कहेंगे, समता में स्थित होकर कर्म कर। हम लोग कैसे कर्म करते हैं? हम लोग थोड़ी थोड़ी देर में कारण तो आते रहते हैं जीवन में कारण तो आते रहते हैं, तो हम लोग उसमें विक्षेपित होते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, सुखी दुखी होते रहते हैं, परेशान होते हैं, खुश होते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता, कभी खुशी कभी गम, इस तरह का हमारा रहता है। भगवान कह रहे हैं तुम आसक्ति को तो त्याग दो, तुम्हारे मन की हो, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा ये, मेरा वो, मेरा कारोबार, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी नौकरी, ये मैं को छोड़ दो, तुम बस काम करो, सेवा करो। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो इधर उधर सोच रहे हो, कुछ इधर उधर देख रहे हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं करता हूं करके जब हम काम करते हैं तो टेंशन होती है। भगवान करा रहे हैं, भगवान का काम है, हम तो सेवा करते हैं, तो शांति रहती है, हल्कापन रहता है। पुरानी आदत के हिसाब से टेंशन फिर भी होती है। जैसे जैसे शिविर पास आने वाला होता है तो हम लोग को भी टेंशन होने लगती है, तो अपने मन से कहते हैं क्यों टेंशन कर रहे हो? मन तो कोई जवाब देता नहीं, शरीर में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम थोड़ा दिखाई देती है, ये स्ट्रेस में आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम, इतने सारे लोगों को खुश करना तो हमारे बस की बात नहीं है, तो थोड़ी टेंशन तो होगी ना। और हम आपको ठीक से नहीं दे पाए, कुछ नहीं बता पाए, खुशी नहीं दे पाए, तो बुरा लगेगा ना, हमें तो बहुत बुरा लगेगा, तो हमें टेंशन हो जाती है। फिर अपने को समझाते हैं हम, टेंशन क्यों करने का, अपना काम करने का है हमको, तो अपुन को क्या, अपुन तो सेवा के लिए आए है कि नहीं, हम सेवा के लिए आए हैं, तो सेवा वाले को क्या टेंशन है भाई, जिसका घर है, जिसका जिसकी जिसके यहाँ शादी हो रही है वो जाने, हम तो सेवा के लिए पहुंचे हैं उसके यहाँ। हाँ जी, सेवा बताओ जी, सबको भोजन सर्व कराओ, अच्छा जी, चलो जी, दाल लो, सब्जी लो, ये लो, वो लो, आओ जी, बैठो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी, नहीं आता तो जा यार, आप कैसे करोगे बताओ सेवा, आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं है, आप सेवा के लिए आए हो। अच्छा, पेमेंट लेकर आए हो तो उसको काम करना पड़ेगा, वो बंधा हुआ है, उसको काम करना पड़ेगा, लेकिन हम सेवा के लिए आए हैं तो टेंशन किसको ज़्यादा होती है, जिसका घर होता है, जिसका कारोबार होता है, घर अपना नहीं भगवान का है, कारोबार अपना नहीं भगवान का है, टेंशन क्या। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड है ना, पुरानी आदत है, वो टेंशन लेता है, वो लाता है, विचार लाता है, टेंशन के, स्ट्रेस के, कैसे होगा टाइप से लाता है। कल दोपहर तक यहाँ कुछ नहीं था, पुराना कुछ लगा हुआ था, कल दोपहर से काम शुरू हुआ, रात के 1 बजे तक काम चला,
सब व्यवस्था है। कोई टेंशन क्यों नहीं लेगा, सेवा हो रही है जी, सेवा हो रही है, हमको सेवा करनी है, बढ़िया करके करनी है, फिर खुशी आती है सेवा करके, सेवा करके खुशी आती है, सेवा करनी है, टेंशन क्यों करने का। आप कोई कारोबार करते हो, आपका है तो टेंशन होगी, भगवान का है तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं तेरा कर्म करने में अधिकार है, तू कर्म कर, तेरा यहाँ कुछ नहीं है इस दुनिया में, इस दुनिया में तेरा कुछ भी नहीं है। हम लोग सुन रहे हैं या ध्यान इधर उधर, थोड़ा सा ध्यान दे के सुन लीजिए, आपका जीवन बढ़िया हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं हमारा, आप लोगों का, हम लोगों का, सबका कर्म करने में अधिकार है, बस सेवा के लिए ये शरीर मिला है, सेवा करो। अपना मानेंगे तो दिक्कत होगी, और दूसरी बात, भयंकर बात, कर्म बनेगा, कर्म का फल भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा। अच्छे और बुरे मिले जुले हम सब कर्म करते रहते, फल भोगने के लिए आना पड़ता है, ये सबसे खराब बात है। इसलिए कह रहे हैं भगवान, हे अर्जुन, तू भगवान का है सब कुछ ऐसा मान, कर्तव्य कर्म कर, अर्थात सेवा कर, खूब करो सेवा, खूब करो सेवा। कुछ भी हमारा नहीं है यहाँ पर, और सबको एक दिन मर जाना है, खूब करो सेवा। हमने एक बात बचपन से क्या सीखी, भाई मेरा है तो मैं करूंगा, मेरा नहीं है तो मैं क्यों करूं, ये हमने बचपन से सीखा था। माँ बाप ने बताया, टीचर्स ने बताया, तुम्हारा काम है, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, दूसरा काम क्यों कर रहे हो तुम बेवकूफ है, दूसरा काम क्यों कर रहे हो तुम, दूसरे का काम मत करो, अपना काम करो, ठीक भी है, ठीक भी है। लेकिन अब कहानी बदलती जाती है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है कहानी बदलती जाती है। तब हम स्टूडेंट्स थे, तब हम कोई प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे थे, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहे थे, तो वहाँ पर क्या था, अपना काम करो बढ़िया करके, दूसरे के काम में मत घुसो, वो सही था। अब क्या होता जा रहा है समय के साथ, जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ रहा है, हमारी उम्र बढ़ रही है, हर काम भगवान का है, घर भी भगवान का, परिवार भी भगवान का, नौकरी, मकान, दुकान सब भगवान की, हम तो सेवा के लिए हैं। अब हमारी थिंकिंग को चेंज करना है, सबकॉन्शियस माइंड की फीडिंग को हमको बदलना है अब, और नहीं बदलेंगे तो भगवान कह रहे हैं कि फिर तेरे को जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ेगा, और वो बड़ा दुख रूप है। क्या होगा अगला जन्म, कैसा होगा, कुछ नहीं पता। तो तू आसक्ति को त्याग कर, तथा सिद्धि और असिद्धि में सम, सिद्धि असिद्धि कहते काम हुआ बढ़िया, नहीं हुआ बढ़िया, सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ, कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है, समता ही योग है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।